good morning students today we are going to discuss the further exercise work of chapter number 14 vasvas -vas farm in this category our first question is difference between the traditional and modern methods of farming the first difference is that traditional farming is done using traditional method ऑफ़ फार्मिंग जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल होता था modern farming, modern farming और का मतलब है कि इसमें जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसे वो इस्तेमाल करते हैं पहले क्या होता था ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था बुल्स का इस्तेमाल होता था ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी और उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती थी लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या है अब ट्रैक्टर्स और बहुत सारी मशीनें ऐसी बड़ी बड़ी आ गई हैं, जिनकी मदद से जो किसान है वो बहुत कम समय में अच्छी पैदावार कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिशनल फार्मिंग ऑफ लेबर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ट्रेडिशनल फार्मर में फार्मिंग में क्या होता है कि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है और उसमें लोगों की भी ज्यादा जरूरत होती है और मेहनत ज्यादा लगती है लोगों की भी जरूरत होती है लेकिन पैदावार उतनी मात्रा में नहीं होती जितनी मात्रा में आ, ट्रेडिशनल फार्मिंग में लोग काम करते थे और इन मॉडर्न फार्मिंग यील्ड इज मोर एंड need नीड मच लेबर मशीन्स टू वर्क और मॉडर्न फार्मिंग में जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया कि मॉडर्न फार्मिंग में क्या है उसमें पैदावार ज्यादा होती है लोग कर, कम इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर काम जो होता है वो मशीने मशीनों द्वारा होता है ये देखिए इन दोनों की पिक्चर्स भी अब आपके सामने हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये मॉडर्न मेथड है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Write in the 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 correct order steps steps which are required for growing and selling the onion crop. बताए हैं, वही सब ऑर्डर हमें इस क्वेश्चन में करने जो-जो क्रॉप ग्रो करने के लेकर क्रॉप को मार्केट तक सेल करने तक के जो जितने स्टेप्स हैं, वो हमें इसमें बताने हैं जो बासवा के फादर है उन्होंने कौन कौन से स्टेप उसके पूरे फैमिली ने कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे उसको फॉलो किया सारे पर्सन जो उसको करने में रिस्पॉन्सिबल रहे हैं उनके बारे में हमें इसमें बताना है फर्स्ट स्टेप इज डिगिंग द सॉइल सबसे पहले उन्होंने अपने खेत की जो सॉइल थी उसको खोदा था ये किसने किया था बासवा के अपा ने फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप था रिमूविंग द वीड्स अब जो अनवॉन्टेड प्लांट्स वीड्स जो उनकी फील्ड में ग्रो कर गए थे उनको किसने हटाया था अम्मा अंकल एंड बासवा नेक्स्ट टेकिंग आउट द अनियंस फ्रॉम द सोइल अब जब उनकी फसल पक्के तैयार हो गई थी तो फिर उन्हें बाहर किसने निकाला था अम्मा अंकल एंड बसवा नेक्स्ट कटिंग ड्राइड लीव ऑफ अनियंस जब फसल पक्के तैयार हो गई और वो घर आ गई फिर उसके बाद उनकी ड्राइड लीव्स जो है जो अनियंस की उन्हें किसने कट किया था अम्मा एंड आंटी नेक्स्ट

number 1 in which month of the year these seasons fall and which crops in your area are grown in the rabi season and in the kharif seasons the next uh, click is that you have to fill the table with what you found C. rabi season it falls in the month of november to april and the crops grown are wheat oats and mustard you can see the picture of wheat oats and mustard next is the kharif crop it falls in the month of june to october and the crops grown are rice corn and sugarcane you can see the picture of these crops also. Students, your today's homework is that you have to complete your exercise work of chapter number 14 in your classwork notebook. Thank you, students.